डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू. हमने नोट मेकिंग, मैंने नोट मेकिंग कैसे करना है, हेडिंग, सब हेडिंग, एब्रिविएशन यूज करना है, की उसका फॉर्मेट दिया है आपको, नोटबुक में दिया है, राइट? हाँ, उसके नीचे एक समरी कैसे बनता है उसके रूल्स लिख के लेंगे, देन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर टुडे. सो नोट मेकिंग वाला चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया, बरोबर? हाँ, ठीक है. अच्छा, की यहाँ पे की में आप क्या दोगे, एब्रीविएशन. की में हम क्या देंगे, वॉल्यूम उसको कम कर. की में विल गिव हिम एब्रीविएशन, इज दैट ओके? या एंड सिंबल्स, करेक्ट? वेर आर यू राइटिंग दिस बाय द वे? नोटबुक, नोटबुक, यस. कुछ स्टूडेंट्स है बहुत बहुत दिनों के बाद आए क्लास में. अभी नीचे मत दे, कैसे, किधर था तू इतने दिन? टाइफाइड हो गया था तुझे? यू बेटर नाउ? ओके, नाउ ही वॉज अंडर बैड, देयर इज अ इडियम फॉर दैट सेइंग, ही वॉज अंडर बैड वेदर. ओके, yes, so he, or not bad weather, we say he is under, no, he is under weather. So he was under weather means he is not feeling well. There's an idiom like that. Shh. Write down rules for writing a summary. Rules for writing a summary. First, abbreviations not to be used. Second, summary should not exceed 25% of the original text. Cover maximum points. Cover maximum points. Do not add / subtract any information. Do not add / subtract any information. No assumptions. Avoid repetitions. Reach a conclusion if required. Reach a conclusion if required. Correct? Quickly write it down. Hello, yeah, yes, okay. बघ मी आता वॉल्यूम कमी केलाय, थोडा थांब, बघते मी बरोबर केलाय का, कमी करायचा आहे वॉल्यूम. हॅलो, हां, इट्स बेटर. हो गया लिख के सबका?
व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे पॉइंट्स कवर करने ये सबको पता है, लेकिन एग्जाम में क्या नहीं करना है, एब्रीविएशन यूज नहीं करने। अगर आप एब्रीविएशन यूज करके आओगे तो आप गलत काम करके आओगे। दूसरा, अगर लिखते वक्त किसी को लगता है सी एब्रीविएशन बिल्कुल यूज नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 25% ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, ये दो चीजें, बाकी तो अपने को सबको पता है सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, कुछ ऐड नहीं करना है, खुद की ओपिनियन नहीं देनी है, जो राइटर का पैसेज है उसका मीनिंग वैसा ही रहना चाहिए। दिस तो वी ऑल नो, बट वेयर वी कैन टेंड टू गो रॉन्ग, आप नोट मेकिंग में एब्रीविएशन यूज करना है, लेकिन समरी में एब्रीविएशन यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ टाइटल देते हैं क्या हम लोग? नहीं। इफ अगर पूछा नहीं है तो टाइटल देने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू राइट एट द टॉप? सो इसका अगर हम लिखे फॉर्मेट, दिस इज गोइंग टू बी द समरी, और ये जो सेंटेंसेस है हम समरी ऐसे लिखने वाले हैं, तो ना तो ये पॉइंट वाइज होगा, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉइंट वाइज, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस इज द हेडिंग आप लिखोगे यहाँ पे, तो आप ये हेडिंग यूज करोगे कि समरी, राइट? यू विल यूज दिस हेडिंग समरी, एंड टाइटल देने की जरूरत नहीं है, एब्रीविएशन यूज नहीं करना है, और ये जो टेक्स्ट होगा ये 25% ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट होना चाहिए, एंड नो एब्रीविएशन। अब देखो ये मैं फिर से यहाँ क्यों लिख के दे रही हूँ, मैंने ऊपर लिखा वो लगभग लीनियर नोट मेकिंग था, बट आई डिडंट यूज द रूल्स हेडिंग सब हेडिंग्स, जो नीचे किया ये नॉन लीनियर है, इससे याद अच्छे से रहता है। उतना देखोगे समरी हेडिंग लाइंस है, मतलब पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, कोई पॉइंट वाइज नहीं लिखना है समरी। क्या होता है अभी आपको ठीक लगेगा, एग्जाम में ये सारे कंफ्यूजन और डाउट्स आते हैं, एंड डोंट लूज योर मार्क्स नो ओनली फॉर दैट, बरोबर ना? हाँ चलो लिख लो जल्दी, हो गया लिख के, अच्छी बात, चलो आगे जाएंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर। Are you all okay with this? यहाँ तक हो गया? हाँ ठीक है। अब हमने कौन सा चैप्टर खत्म कर लिया? नोट मेकिंग। अभी हमने 100% कौन से चैप्टर्स खत्म किए, जरा मुझे नाम बताना। पहला कम्युनिकेशन, हाँ एक मिनट, कम्युनिकेशन के चैप्टर में क्या सीखा, मतलब डिफरेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल, नेटवर्क, बैरियर्स और कैरेक्टरिस्टिक, बराबर? हाँ, कम्युनिकेशन के बाद मैंने कौन सा चैप्टर लिया? कॉम्प्रिहेंशन, उस पैसेज, मतलब उसमें क्या आता है, पैसेज रीड करने का और उसके क्वेश्चंस का आंसर देने का। पैसेज रीड करने के बाद आपको टाइटल भी पूछ सकते हैं कभी, पैसेज का समरी भी पूछ सकते हैं, और आंसर्स, आंसर्स आपने देखा मल्टीपल चॉइस था तो बहुत ट्रिकी था, तो हम मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया पैसेज के लिए, रीड वंस, रीड द क्वेश्चंस एंड री रीड द पैसेज, बराबर? Yes. ये दूसरा चैप्टर कंप्लीटली हमने कंप्लीट कर दिया, कॉम्प्रिहेंशन वाला। उसके बाद क्या कंप्लीट किया? नोट मेकिंग। सो नोट मेकिंग भी पूरा कंप्लीट हो गया, उसको हमने नोटबुक में समराइज किया। सी माय, इफ आई गो ऑन टीचिंग 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 एंड बाय द एंड यू आर लाइक एग्जैक्टली करना क्या है, देन देयर इज नो पॉइंट। और टीचर शुड बी, वी शुड बी एबल टू समराइज एंड गिव इट टू यू कि ये आपको करना है। तो जैसे मैंने समराइज करके दे दिया, नोट मेकिंग ऐसे करना है, समरी पूछा तो ऐसे करना है। तो सेकंड थर्ड चैप्टर भी मैंने समराइज कर दिया आपके लिए। हाँ, बीच में एक वोकैबुलरी वाला चैप्टर है जो मैंने थोड़ा ही लिया, ईडियम्स वाला पार्ट और कनोटेशंस किया। ईडियम्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कुछ हिडन मीनिंग होता है, राइट? और मैंने कनोटेशंस किया, व्हाट वाज कनोटेशंस? इमोशंस, वर्ड के भी इमोशंस होते हैं, वर्ड के भी इमोशंस होते हैं, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और न्यूट्रल होता है। फैट चबी, फैट इज नेगेटिव, बट इफ यू से ओह ही इज सच अ चबी किड, यू वोंट से ही इज अ चबी अ फैट बॉय, यू वुडंट से दैट, वी वुड यूज व्हाट वर्ड? चबी फॉर अ स्मॉल चाइल्ड, इफ आपके कलीग का बेटा है तो आप फैट वर्ड नहीं यूज करोगे, राइट? इट गिव्स अ वेरी नेगेटिव फीलिंग, वी डोंट डू दैट, सो व्हाट वर्ड वी वुड यूज? चबी, राइट? स्मेल, स्मेल के लिए भी ऐसा पढ़ा है हमने, स्टेंच एंड अरोमा, राइट? बिना एक्सेंट के भी इमोशन समझ में आते हैं हमें। ऑलराइट, नाउ आफ्टर दैट यू हैव गॉट,
अयो मैं अभी आपको जो चैप्टर सिखाने वाली हूँ वो प्रेसी राइटिंग सिखाने वाली हूँ। अभी आपको नोट्स मिले वो दो चैप्टर्स के साथ में दिए हैं मैंने, प्रेसी राइटिंग उसमें से ढूंढो कौन सा है पहला या बाद में वाला चैप्टर होगा। प्रेसी राइटिंग खोलो अभी। तो मैम आप पहले प्रेसी राइटिंग क्यों कर रहे हो? पहले तो मेरी मर्जी, दूसरा देयर इज अ लॉजिक टू इट। ऐसी मेरी मर्जी नहीं है, यस माई क्लास माई रूल्स, बट ऐसी ही मेरी मर्जी नहीं है। समरी और प्रेसी राइटिंग इज मोर और लेस सिमिलर, दैट इज वाई आई वॉन्ट टू डू इट टूगेदर। और सिमिलर भी है और कुछ डिफरेंस भी है, तो आपको डिफरेंस भी जानना है और सिमिलैरिटी भी जाननी है। बरोबर बरोबर। नाउ सो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, एंड वॉट इज द नेम ऑफ दैट चैप्टर डियर स्टूडेंट्स? प्रेसी राइटिंग। क्या है चैप्टर का नाम? प्रेसी राइटिंग। हमने जो चैप्टर्स खत्म किए उनका नाम था कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन नोट मेकिंग। अगेन कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन नोट मेकिंग। नाउ आई एम ऑन द चैप्टर ऑफ प्रेसी राइटिंग। राइट, यू नो यू हैव लॉट ऑफ राइटिंग, यू हैव प्रेसी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल मेल्स, लेटर्स, मेमोज, ये सब राइटिंग हमारे सिलेबस में है। राइट, नाउ आई विल कम टू प्रेसी राइटिंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट प्रेसी राइटिंग। I'll just open the notes, 2 minutes. I hope I have copied them. Arre. Soft copy mere paas. I'll just check if I have it in the pen drive. Meanwhile, last page kholo, idioms padh ke lo. Main aapko poochungi unme se koi bhi. While I just try and see, do I have a soft copy? What are you going to do? Nobody is going to shoot the breeze. Time pass nahi karna hai. Tab tak last pages khol ke idioms padho. I'll just take 2 minutes to fix this. Yes, I have the chapter. पढ़ लिए क्या? अच्छा क्या क्या idioms? अच्छा एक बार पढ़ लो, मैं ये चैप्टर जैसे हो जाता है मैं आपको थोड़ा आज वैसे भी रिविजन करवाने वाली हूँ। राइट, सो दे गो थ्रू द idioms क्विकली। Did you all glance through the idioms? Yes. Okay, coming back, I'm starting with prezi writing.
एट द एंड आई विल इफ वी गेट टाइम वी विल गेट टाइम टुडे सो आई विल बी रिवाइजिंग विथ यू द ईडियम्स. सुन तेरा लेक्चर है ना मेरे लेक्चर के बाद कर कंटिन्यू करना ठीक है. वो उसको सिखा रहा है तो इसलिए बोल रही हूँ तेरा जो पार्ट है मेरे लेक्चर के बाद कर दे ठीक है. नाउ यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन वट आई एम सेइंग. ऑलराइट पे अटेंशन. मैं जैसे प्रेसी राइटिंग पढ़ने वाली हूँ आपके साथ आपको लगेगा कि मैम ये तो थोड़ा समरी राइटिंग जैसा ही है. यस इट इज लाइक दैट. स्लाइट डिफरेंस है और वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी. एंड हम कुछ तीन दो तीन प्रेसी राइटिंग आज कंप्लीट भी करेंगे. छोटा सा ही चैप्टर है तो आई होप आज ये चैप्टर हम खत्म कर पाते हैं. राइट सो आई विल स्टार्ट एंड आई विल ट्राई टू. ऐसा कुछ टाइम लिमिट या बाउंड नहीं है जितना टाइम लगेगा उतना बट मोस्टली हो सकता है बिकॉज इट्स अ सिंपल थिंग. तीन प्रेसी राइटिंग ही करना है. प्रेसी राइटिंग के मुझे सिर्फ रूल्स बताने हैं आपको दैट्स इट. राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू इंट्रोडक्शन. इसको मार्क करो ये स्टार मार्क करो. नाउ व्हाट इज दिस. दिस सेज अ शॉर्टनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन वन्स ओन वर्ड्स. यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है इन वन्स ओन वर्ड्स. तो आपको जो शॉर्टनिंग ऑफ द टेक्स्ट करना है ओन वर्ड्स में करना है. कंपल्सरी है. अगर कोई फ्रेजेस या इडियम्स यूज किए गए जरूरी नहीं है उनको यूज करना है. यू हैव टू राइट दिस प्रेसी राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स. नाउ लिसन एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट. नेक्स्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स इफ देर इज एनी मूवमेंट एनीबडी टॉकिंग अमंगस्ट ईच अदर I am not going to tolerate and you will have to face the music. I want you to sit straight, spine cord straight. There's a science. When you sit straight, your spine cord is straight. Everything goes straight into your minds. So get everybody clear. Everybody sitting straight. Aisa, aise, aise, mujhe nahi chahiye. Seedha baitho. Sit like professionals and sit properly. Everybody? Yes. All right. Koi awaaz nahi, koi movement nahi. Theek hai? Full focus over here. So let it, everything go straight into your minds. Concentrate. Shh, shh, shh. Tera ek minute, uska ek minute. Har ek ko ek ek minute do kya? Haan. Chalo. Haan. Shh. Suno. Shortening. Now quiet everybody. I'll make anybody stand up and answer my questions and I don't want any disturbance and no movement also. No drinking of water in between. No movement at all I want now. Focus. Next 40 minutes, complete attention, all ears to what I'm saying. Right? Now listen. Pressy writing mein, it is shortening of a text. Aap bologe, ma'am, ye summary mein bhi hota hai. Hai ki nahi? क्या होता है ये समरी में भी होता है शॉर्टनिंग. बट समरी का जो शॉर्टनिंग होता है पता है समरी हम लोग किसके लिए लिखते हैं. बुक के लिए लिखेंगे. इतना ज्यादा टेक्स्ट होता है बुक की समरी बनती है और बुक के एक आधे चैप्टर का प्रेसी राइटिंग बनता है. मतलब जिस चीज को हम समराइज करना चाह रहे हैं या जिसकी प्रेसी राइटिंग करना चाह रहे हैं उस चीज की बात हो रही है. सो दिस इज अ टेक्स्ट. इसका क्या करना है एक जगह पे समरी करना है और इस टेक्स्ट का क्या करना है प्रेसी राइटिंग करना है. इस टेक्स्ट की बात हो रही है ओरिजिनल मटेरियल की बात हो रही है. द ओरिजिनल मटेरियल इन समरी इज बिग इज ह्यूज इट्स लाइक अ थीसिस और अ नॉवेल अ बुक. लेकिन प्रेसी राइटिंग हम जिसका करते हैं वो क्या होता है एक चैप्टर अ पैसेज. अंडरस्टूड दैट फर्स्ट डिफरेंस. राइट प्रेसी इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड विच सेज उसका मीनिंग है प्रिसाइस. प्रिसाइस मतलब जैसा है वैसा ही होना चाहिए. मतलब हाँ सिर्फ लिखते वक्त ओन वर्ड्स आप यूज कर सकते हो. प्रिसाइस मतलब जिस सीक्वेंस में है वही सीक्वेंस फॉलो करो. समरी में आप थोड़ा सा सीक्वेंस नीचे ऊपर कर सकते हो बट प्रेसी राइटिंग में सीक्वेंस हम बिल्कुल भी बदल नहीं सकते. इन प्रेसी राइटिंग व्हाट योर मॉड्यूल इज फॉलोइंग दे नॉर्मली वुड गिव अ टाइटल बट वी आर नॉट गिविंग अ टाइटल इन समरी. प्रेसी राइटिंग में भी हम एब्रीविएशन नहीं यूज करते. समरी में भी हम एब्रीविएशन यूज नहीं करते. प्रेसी राइटिंग में बोला गया कि वन थर्ड ऑफ द टेक्स्ट होना चाहिए. वन थर्ड मतलब 33.33% और समरी कितनी होनी चाहिए 25%. यू नो इन्होंने जब प्रेसी राइटिंग का एक स्टेप दिया ना एक बड़ा सा पैसेज दिया फिर इन्होंने बोला कि प्रेसी राइटिंग जो है या इवन समरी जो है मैंने क्या सिखाया एक ड्राफ्ट में बनता है क्या. नहीं ना हम क्या करते हैं पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं और फिर उसका फाइनल ड्राफ्ट करते हैं. तो उन्होंने क्या किया पता है एक एग्जाम्पल में एक पहला ड्राफ्ट बनाया उसके वर्ड्स काउंट किए और बोला कि ओरिजिनल पैसेज में 200 वर्ड्स है तो वन थर्ड काउंट किया है और इस ड्राफ्ट में कितने हैं अच्छा बहुत ज्यादा हो गए. फिर से देखो
रीथिंक करो समरी. और नोट मेकिंग में भी हम ऐसे ही करते ना, वी रीथिंक, वी लेट, वी डिसाइड कि इसमें से एडिट. जैसे हमने एक परसों ही कुछ पैसेज पढ़ा था, याद है आपको, जहाँ पे बोला था आप अच्छे राइटर कैसे बन सकते हो, इफेक्टिव राइटिंग. सो आपने लिख के टेक अ ब्रेक एंड यू शुड रीथिंक, और जो अनवांटेड है उसको एडिट करो, है कि नहीं. तो वैसे ही आपको भी करना है एग्जाम में. अगर आपको लगता है अरे इससे बेटर समरी बन सकती, इससे बेटर प्रेसी बन सकता, तो ऊपर वाले को ड्राफ्ट नाम दे देना और नीचे फिर से फाइनल प्रेसी, फाइनल आंसर. डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपने लिख लिया और आप लगते हैं अरे नहीं रे लिखते लिखते ना थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो गया, डोंट वरी, कॉल इट व्हाट, ड्राफ्ट, अ ड्राफ्ट. एंड देन फाइनल वाले को नीचे बोलो कि फाइनल प्रेसी, द फाइनल ड्राफ्ट. ओके, दिस इज जस्ट अ रफ ड्राफ्ट बोल देना और नीचे हम बोलेंगे फाइनल प्रेसी. सो वी कैन डू दैट. सो एक्चुअली वर्ड्स काउंटिंग करके उन्होंने 1/3 किया है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा. तो क्या हम जरूरी है क्या रफली वर्ड्स? तो एक हाथ में देख रही थी कि मॉडल के एक जो लाइन है उसमें अराउंड 14 to 15 वर्ड्स होते हैं, तो आप कभी कभी छोटे आ गए तो ज़्यादा आ जाते, पर ऑन एन एवरेज 14 के आसपास तो वर्ड्स थे ही हर लाइन पे मॉड्यूल के. अभी मॉड्यूल के मेरे टेक्स्ट में हर एक का फॉन्ट और ये अलग होता है, एग्जाम पेपर में फॉन्ट अलग होगा, सो वी कांट गो बाय दैट. रफली मैंने ऐसे भी देखा कि कितने पैसेजेस में लाइन्स है, 12 लाइन्स है, तो उसका 1/3 कितना हो गया, 4. तो आपको 4 लाइन्स में लिखना है, सिंपल. एंड मोर और लेस आंसर भी वैसे ही है मॉड्यूल का, तो वैसे आप देख सकते हो. और आपको बहुत ही लगा नहीं, बहुत ही टाइम बचा है बाद में, तो आप वर्ड्स काउंट करके देखना कि 1/3 के ऊपर ना जाए. ओके, तो वर्ड्स आप रफली लाइंस काउंट लाइन में देख सकते हो, एक लाइन में कितने वर्ड्स है, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ लाइंस आपको वर्ड्स आ जाएगा, उसका 1/3 कर देना. राइट, उतने वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए. ओके, इज दैट क्लियर? आपको टाइटल देना है और प्रेसी राइटिंग करना है. प्रेसी राइटिंग में आपको कंक्लूजन नहीं देना है, जैसा प्रिसाइज जो ऑथर बोल रहा है वही देना है. समरी में हम कंक्लूजन दे सकते हैं, समरी 25% होता है, ये 1/3, 1/3 मतलब 33.333%. यस, आर यू गेटिंग इट? या सो लेट्स मार्क द रूल्स, गेट इट वेरी क्लियर. आई वॉन्ट द सेम फोकस एंड अटेंशन टू कंटिन्यू. पहले सबने स्टार किया पहले वर्ड को, सेंटेंस को. शॉर्टनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन ओन वर्ड इज कॉल्ड एज प्रेसी राइटिंग. इसकी डेफिनेशन में लिखा है ओन वर्ड्स, सो सर्कल ओन वर्ड्स, मतलब यू आर सपोज टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. द टर्म इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड प्रेसी मीनिंग प्रिसाइज. Thus, a précis gives an accurate and concise description of the substance that is the main idea contained in the text without losing its meaning. In fact, it is an exact reproduction of the logic, exact reproduction, precise, जो logic author का है वही आपका होगा, logic, organization, emphasis of the original text. Précis writing is very useful as it gives us training in careful reading and develops our capacity to discriminate between essential and non-essential. Since it insists on an economy of words, you learn to choose your words carefully and construct your sentences in a concise manner. Of course, summary में भी यही benefits है. Summary में भी हम कम words, कम sentences use करते हैं, प्रेसी में भी हम वैसा ही करते हैं. ठीक है, summary हम किस चीज़ का बनाएंगे? See, कोई राइटर है, किसी को कुछ लिखवाना है, there are many writers, तो आके आपको पूछेगा क्या करना है, तो ऐसे बुक की समरी बनानी है. ओके, देन आई विल चार्ज यू अकॉर्डिंगली. या न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना है, देन आई विल चार्ज यू अकॉर्डिंगली. आर्टिकल की मीनिंग अलग, रिपोर्ट अलग, फॉर्मल मेल अलग, इनफॉर्मल अलग होता है. बहुत बार आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो इसलिए न्यूज़पेपर में आर्टिकल देना चाहते हो, यू हैव टू पे समटाइम्स टू गेट दैट आर्टिकल पब्लिश्ड. देन आर्टिकल आप किसी से लिखवा के लोगे जिसका मीनिंग किसी को वो कन्विंस कर पाए. तो हर एक का पर्पज आपको देखना है क्या है. राइट, नाउ डिफरेंस बिटवीन प्रेसीज एंड समरी. यूजुअली द वर्ड समरी इज यूज लूजली टू रेफर एज प्रेसीज, हाउएवर देर आर सटल डिफरेंसेज बिटवीन देम. सटल छोटे छोटे डिफरेंसेज है एंड दे आर यूज लूजली, मतलब कोई कोई लोग समरी की जगह प्रेसीज बोलते हैं, प्रेसीज की जगह समरी बोलते हैं. हम वैसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे. सो लेट्स राइट डाउन द डिफरेंसेज. फर्स्ट, प्रेसीज में लिखो इट इज ब्रीफ राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, चैप्टर्स और चैप्टर फ्रॉम अ बुक और
चैप्टर फ्रॉम अ बुक. कोई रिमोट लेके गया क्या? जस्ट पास करो ना. एसी रिमोट है क्या किसके पास? नहीं है. हाँ जस्ट पास इट ना. इट इज अ ब्रीफ राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स आर्टिकल्स और चैप्टर फ्रॉम ओ ओ ओ ओ हाँ चैप्टर फ्रॉम अ बुक. करेक्ट करेक्ट. मुझे लगा मैंने बुक बोल दिया क्या. हाँ सेकेंड यहाँ का समरी का फर्स्ट पॉइंट. इट इज अ शॉर्ट. थैंक यू. इट इज अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ लॉन्गर पीसेस लाइक अ थेसिस और अ नॉवेल. नॉवेल मतलब बुक. कंप्लीट बुक ओली. गॉट इट? मतलब जिस चीज की हम समरी बना रहे हैं वो बड़ा होता है बहुत, और जिस चीज का हम प्रेसी बना रहे हैं वो बहुत छोटा होता है. सेकेंड प्रेसीज फॉलो. यू हैव स्पेस यू नो नोट्स में उधर ही, तो मुझे लग रहा है कि स्पेस कम पड़ेगा तो हम नीचे जो स्पेस है वो भी यूज कर लेंगे. ओके. प्रेसीज फॉलो द ऑर्डर एंड द प्रोपोर्शन of the original material. Summary में लिखो writer is free. Writer is free. Writer is free to change. Change the order or proportion is free to change the order or proportion if he wishes to do, if he wishes to do so. Correct? Presi mein it states the thought of the original material. It states the thought of the original material. प्रिसाइज है ना, मतलब जैसा है वैसा ही होना चाहिए. ऑर्डर भी प्रपोर्शन भी, जिस जैसे डेटा ऑर्गेनाइज किया इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज किया आपके प्रेसी में भी वैसा ही होना चाहिए. प्रिसाइज जस्ट लाइक दैट बट इन ओन वर्ड्स ऑफ कोर्स. थर्ड राइटर मे इंटरप्रेट एंड कमेंट ऑन इट oblique conclude or oblique write conclusion. समरी में अगर आप चाहें तो कंक्लूजन दे सकते हो. बराबर. मॉड्यूल में ऐसा डिफरेंस है. और एक डिफरेंस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और एक आपको पता है. हाँ प्रेसीज का परसेंटेज कितना होता है? यस इट्स 1/3, 33.33%. सो ये हमारे लिए हम लिख के रखेंगे. तो प्रेसीज का जो साइज होता है दिस इज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल ऑब्लिक 33.33%. और समरी जो होता है वो कितना होता है? 25%. इससे आपको क्या हेल्प करेगा एग्जाम में? एग्जैक्ट लिखने के लिए, लाइंस देखने के लिए हेल्प होगी. डन. स्टेप्स देखेंगे और तुरंत प्रेसी राइटिंग चालू करेंगे. 5 मार्क के लिए प्रेसी राइटिंग आता है आपको, आपने देखा है उस दिन मैंने पेपर पैटर्न एनालिसिस किया है ना आपके साथ. यस. क्या हुआ? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड प्रेसीज? कौन सा प्रेसी अच्छा होगा जो बहुत क्लैरिटी हो, जिसमें क्या होना चाहिए? जिसमें पहला पॉइंट क्लैरिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी,
द राइटर मस्ट हैव एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ही शुड राइट अ प्रेसी दैट इज अनबायस्ड एंड इट इज प्योरली, मतलब जैसा ऑथर ने बोला वैसा ही ना, ऐसा नहीं हो सकता अगर कोई राइटर है यू नो पॉलिटिकल, अगर आप कोई प्रेसी बना रहे हो या आप किसी पार्टी के लिए कर रहे हो, आपकी पॉलिटिकल थॉट्स कुछ और होंगे, ऑथर ने लिखा है ही सपोर्टिंग मे बी वन पर्टिकुलर पार्टी एंड यू डोंट सपोर्ट दैट पार्टी, कीप योर फीलिंग्स असाइड, जैसा उस ऑथर ओरिजिनल पैसेज है उसका ही प्रेसीज आपको बनाना है. सो यू हैव टू गिव अ अनबायस्ड ओपिनियन, आपके विचारों से उसको इन्फ्लुएंस मत करो. अनबायस्ड मतलब न्यूट्रल, जैसा है वैसा ही, आपकी फीलिंग्स और थॉट्स में उसको मिक्स मत करो. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. सो इट शुड बी अनबायस्ड, क्लियर सर्कल, क्लियर मतलब देयर शुड बी नो एम्बिग्युटी, मतलब नो कन्फ्यूजन, क्लियर होना चाहिए प्रेसी, होना ही पड़ेगा यार. सोचो अगर 12 लाइंस को आपको 4 लाइंस में लिखना है तो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली वेरी क्लियर कि एग्जैक्टली वो राइटर बोलना क्या चाह रहा है. करेक्टनेस मतलब फैक्ट्स भी करेक्ट होना चाहिए, आपका ग्रामर करेक्टनेस वर्ड लिखना, ये ठीक है. अच्छा, इस पे कोई मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन तो आज तक नहीं आया है कि प्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो लेकिन आ भी सकता है कभी, मोस्टली चांसेस नहीं है इसमें से थ्योरी क्वेश्चन आने के, मोस्ट चांसेस क्या है यहाँ से प्रैक्टिकल कि राइट अ प्रेसी. अच्छा, सेंटेंसेस में ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए. फ्लॉज का मतलब क्या होता है? फ्लॉज का मतलब क्या होता है? मिस्टेक. जिनको मीनिंग्स में लिख के लेना है दे कैन राइट फ्लॉज इज इक्वल टू मिस्टेक्स. सो आई विल से यू नो डू योर होमवर्क एंड लेट इट बी फ्लॉलेस, मतलब लेट इट बी विदाउट मिस्टेक्स. फ्लॉ का मतलब क्या होता है? मिस्टेक्स. सच एरर कैन ऑब्स्कर द मीनिंग ऑफ द मैसेज. कोहेरेंस, अ गुड प्रेसी शुड बी कोहेरेंट. एक कोहेरेंट मतलब आपको कम्युनिकेशन से याद आ रहा है क्या? लॉजिकल, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए. यस, सो इट शुड बी लॉजिकल. सो देयर शुड बी प्रॉपर लॉजिकल कनेक्शन, बेसिकली लॉजिकल कनेक्शन और लॉजिकल फ्लो. याद आ रहा है ना, यही कोहेरेंट वर्ड हमने कहाँ यूज किया? कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में. करेक्ट, वेरी गुड. कंप्लीटनेस, अच्छा आपकी प्रेसी पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि अरे वो पैसेज कुछ और ही बोल रहा है, यहाँ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ. नहीं, शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए. सो कंप्लीट एंड कंसाइज. सो कंप्लीट मीन्स कुछ ओमिट कर सकते हैं क्या? नो, नथिंग टू बी ओमिटेड, नो इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू बी ओमिटेड. एंड कंसाइज मतलब फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स. ऑफ कोर्स यू नो यार, तुमको उसको 33% पे रिड्यूस करना है तो ऑब्वियसली कंसाइज करना पड़ेगा. Obviously it has to be concise, है ना? क्या होगा लेंथ आपके, कितने वर्ड्स होने चाहिए? Not more than one third, not more than one third. Do you understand that? Yes. Pressy writing का steps, steps देखेंगे. Practically 3 presses हमको लिखने के लिए दिया है, वो करेंगे, right? Read the passage carefully. Obviously more than once if required. Everywhere they're asking us to read the passage carefully and more than once. So read carefully. More than once, then you have to write down the main ideas. What is main idea? What is a secondary idea? Yeah, no importance. Kuch ideas main hongi, kuch secondary hongi, aur kuch important nahi hongi. Then you have to give a title. हाँ, मतलब देखो प्रेसीज और समरी के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, प्रेसी के लिए आपने ऊपर क्या लिखना जरूरी है? टाइटल. लेकिन समरी के लिए टाइटल देना है क्या? नहीं. एक मिनट, तो हम इधर ही वापस ऊपर हमारे हिसाब से ये डिफरेंस भी लिख देते, राइट? तो यहाँ पे क्या है? टाइटल रिक्वायर्ड. ये एग्जाम व्यू पॉइंट से है, टाइटल नॉट रिक्वायर्ड. मतलब जब आप, मैं आई ट्राई कि एक लेक्चर जब लगभग सिलेबस खत्म होने को आता है, आई टेक वन रिविजन लेक्चर, हम जहाँ पे सबके साथ में यू नो एक लिख के ले लेंगे कि समरी है, तो वो एक चार्ट अगर आप पढ़ के जाओ तो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा, राइट? वील ट्राई एंड मेक दैट काइंड ऑफ अ चार्ट, सो वे यू विल बी गेटिंग ऑल द डिटेल्स. आगे, कलेक्ट ऑल की पॉइंट्स एंड प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट. देखो बोला ना आपको क्या करना है पहले, फर्स्ट ड्राफ्ट. कीपिंग इन माइंड द नीड टू रिड्यूस इट टू वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल. अगर आपका पहला ड्राफ्ट, प्लीज आपने जो लिखा है आपको लग रहा है बहुत अच्छा लिखा है, एक बार वर्ड्स काउंट कर लेना. आपका जो वर्ड्स है हैव टू बी नॉट मोर देन वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल पैसेज. द मेन थॉट्स एक्सप्रेस इन द पैसेज, आइडियाज, ओपिनियंस शुड बी अ पार्ट ऑफ द रफ ड्राफ्ट.
रीड द ड्राफ्ट, अभी जो आपने ड्राफ्ट बनाया आपके प्रेसी का उसको फिर से रीड करो, अगर आपको लगता है कि ये लॉन्ग हो गया है उसको शॉर्टन इट, अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो शॉर्टन इट. नॉर्मली यू शुड सक्सीड इन प्रोड्यूसिंग अ गुड प्रेसी बाय द सेकेंड ड्राफ्ट. तो एक ड्राफ्ट हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट में लगभग हर किसी का अच्छा प्रेसी रेडी हो सकता है. When you have made your second or final draft, carefully revise your presi to ensure that you have bare minimum words necessary to express the idea. Check to make sure presi has been written in your own words and not, isko star mark karo, presi has been written in your own words and not in the words of the author. Yes, खुद के words में लिखना है, मतलब अगर कोई idiom या phrase होगा तो please आप try कीजिए उसको simplify करके अपने words में लिखने का, हम try करेंगे. ठीक है, मतलब देखो सीधे सीधे marks, you know, ऐसे note making के लिए abbreviations use करना जरूरी है, summary में नहीं करना है, pressy making में title देके short में लिखना है, abbreviation नहीं use करने, own words में लिखना है. Points to remember, it should not exceed 1/3 of the text. Identify the main idea. Avoid repetition, that we already know repetition नहीं होना चाहिए. Every presi should be short and should have a short and it should have a appropriate title. Own words, words of the presi writer. कौन writer है यहाँ पे? आप लोग, आपको खुद के words में लिखना है. Okay? And please English या इस subject का answer एक दूसरे के साथ match मत करो. Everybody has a different style of writing, so everybody is going to write differently. हर एक का title अलग होने वाला है. ठीक है. The main ideas of the original text should be presented in the same order. कोई order change नहीं करना है. Do not introduce खुद की ideas मत करो. Don't criticize or change the author's idea. Always use third person or past tense. ये भी एक अलग बात है जो हमें याद रखनी है कि हमें, you know, there's a reporting speech होता है. Like if I say I've gone to London 2 times, or then this is a direct speech. Reporting speech is when I talk for a third person. She said that she has gone to London 2 times. So past में और किसी third person के लिए बोलना, इसको क्या बोलते हैं, when you talk for a third person, third person के हिसाब से कि उसने ऐसे बोला, he said, they said, people are saying, ये जो होता है this is third person. So third person and past tense में ही लिखना है. Okay, right. Now example. Now there's an example. पहला word, पहला जो passage है, please आप read करो. एकदम ध्यान से read करना है. ऐसे ही समझना है कि हमें पहले एक reading में बिल्कुल कोई dictionary नहीं use करेगा, कोई meanings नहीं करेगा. हम first reading will try to decipher. Decipher मतलब understand. Understand the meaning with the flow. एक नहीं, आपको शायद 2 बार भी पढ़ना पड़ेगा. Please reading करते वक्त कंटाला नहीं करने का, एकदम अच्छे से पढ़ने का. ठीक है. पहली बार पढ़ने के बाद तो आप बोलोगे कि क्या लिखा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है. अच्छी बात है समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरी रीडिंग में ही समझ में आना चाहिए.
मुझे तो एक ही अभी तक समझा कि ये कुछ तो फियर ऑफ डेथ के बारे में बता रहा है, फियर ऑफ डेथ के बारे में इतना ही समझा, ये इतना भी समझा बहुत अच्छी बात है। हाँ इतना समझा ना, बहुत अच्छी बात है एकदम। अभी और एक बार पढ़ना है, फिर हमें और दो लाइन समझ में आएगी। वैसे भी हमें लाइन्स कितनी लिखनी है, देखो इसकी लाइन्स काउंट करना जरा, लाइन्स कितनी है, 11, अराउंड 11, राइट? सो 11 डिवाइडेड बाय 3 इज हाउ मच, 3.66, करो काउंट, देखो, हाँ 11 है ना, लाइन्स कितनी है, 11, हाँ तो हमें 3.66 आया, मतलब हमें कितना लिखना पड़ेगा, 4 लाइन। तो कुछ नहीं, आपको जस्ट एक लाइन तो समझ में आ गई है कि ये पैसेज किस लिए बोल रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट फियर ऑफ डेथ। बहुत अच्छी बात है, एक लाइन तो आ गई है। तो इस फियर को कैसे हटा सकते हैं, किन लोगों में ये फियर ज्यादा होता है, पढ़ो फिर से, एग्जाम में मैं नहीं रहूंगी ना, तो इसलिए आपको बता रही हूं, आपको खुद से सीखना है ये कैसे बनाना है। Which will not be very, आगे कुछ मिसिंग है, which will not be very what, मॉड्यूल में ही देखना पड़ेगा, आई एम नॉट कैरिंग द मॉड्यूल टूडे, एक सेकेंड देखती हूँ, फिर भी आई हैव अ प्रिंट आउट मे बी, विच विल नॉट बी वेरी सिवियर, वन वर्ड इज मिसिंग, विच विल नॉट बी वेरी सिवियर, सिवियर मतलब बहुत ज़्यादा, सिवियर कितनी बार पढ़ा आपने, 11-12 लाइंस है, आराम से 2-3 बार तो पढ़ ही सकते हो यार। जो पहले क्या करने का, जो हमें समझ में आ रहा है, रफली जो समझ में आ रहा है उसको तो अंडरलाइन करो कि हाँ ये सेंटेंस है ना मुझे समझ में आ गया। कुछ सेंटेंसेस नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे, ठीक है, पूरे पैसेज के एग्जाम्पल के हिसाब से समझ में आएंगे, अगर आप पूरा पैसेज समझोगे तो समझ में आएगा। थोड़ा ऊपर जा रहा है, नहीं दिस इज हाई लेवल, इवन स्टूडेंट्स हु मस्ट हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, नॉट नेसेसरी ऑल द वर्ड्स आर नोन, इट इज अ स्लाइटली हाई लेवल दैट दे हैव गिवन अस हियर, बट द गुड पॉइंट इज यू जस्ट हैव टू राइट 4-4-4। चलो किसको क्या समझा, एकदम मुझे शॉर्ट इसमें हैंड रेज करके आप बताओ, एक एक जो भी सिंपल सिंपल वाला एक एक पार्ट आपको जो समझा है, छोटा सा एक सेंटेंस भी होगा कुछ वैसे बता दो। पैसेज इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, फोबिया, वेरी गुड, फियर की जगह पे उसने क्या वर्ड यूज किया है, फोबिया, यस, सो ही इज टॉकिंग फोबिया इज फियर ऑफ समथिंग, सो यस दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट फियर ऑफ डेथ। डेथ का बहुत लोगों में फियर होता है कि अरे हम अचानक से डेथ हो गई तो क्या, तो इस फियर को कम करने के लिए पैसेज क्या बोलता है, आपने क्या करना चाहिए, यू शुड हैव अ लाइफ ऑफ एक्शन, मतलब यू शुड लीड अ वेरी वेरी एक्टिव लाइफ, मतलब जहां पे आप कुछ ना कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, कोई फिजिकल काम करते हो, नाउ योर लाइफ इज नॉट एन एक्टिव लाइफ एट प्रेजेंट, अदर देन आई थिंक समटाइम्स डू यू क्लाइंब द स्टेयर्स अप एंड डाउन, हार्डली यू नो, आपका इधर ही है सब खाना, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर सिटिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा दिन आप बैठे हुए हो, मेंटल काम है बट फिजिकल काम नहीं है। आजकल सबकी जो लाइफस्टाइल है, हर कोई जो है लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, सो वी आर ऑल लीडिंग अ लाइफ विच इज सिडेंटरी, क्या बोलते हैं सिडेंटरी, मत देयर इज अ वर्ड देयर गिवन देयर, सिडेंटरी मतलब इनएक्टिव, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट सिटिंग डाउन। ऑफकोर्स मैं मीनिंग्स लिखवा के लेती हूँ आपसे, तो ऑथर जो बोल रहा है कि जो लोग एक्टिव रहते हैं उनको डेथ का फियर इतना नहीं होता है, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। नाउ लेट्स एक्चुअली रीड इट, अब मैं पूरा पढ़ती हूँ आपके साथ, ठीक है, आपको कुछ कुछ चीजें समझी और किसी को और कुछ समझा, देखो फिर से देख के बताना होगा, तो एक हाथ और लाइन आप बता पाओगे तो अच्छी बात होगी। डेसिफर द मीनिंग, वो पूरा पैराग्राफ को देख के मीनिंग समझने की कोशिश करो। तो
आपने क्या करना चाहिए, लाइफ, देयर इज अ वर्ड समवेयर, यू शुड वैल्यू लाइफ. मतलब जो भी लाइफ मिली है आपको, आपकी लाइफ कम भी होगी तो भी आपने क्या करना चाहिए, वैल्यू लाइफ. वैल्यू लाइफ ऐसा वर्ड स्ट्रेट अवे दिया है, हर कोई समझ सकता है, हर कोई समझ सकता है. तो द बेस्ट थिंग इज व्हाट यू शुड डू, यू शुड वैल्यू योर लाइफ. और ये इजी लैंग्वेज में आपको दिया गया है, वहां पे पैसेज में ही दिया है, ढूंढ के देखो आप. वैल्यू ऑफ, यू शुड वैल्यू लाइफ. यस, दैट्स द मोस्ट रैशनल, मतलब होता है लॉजिकल. यू नो समटाइम्स व्हेन योर फ्रेंड इज सेइंग समथिंग यू से अरे व्हाट आर यू टॉकिंग, टॉक रैशनल. टॉक रैशनल मतलब टॉक लॉजिकल, कुछ तो लॉजिकल बात करो. व्हाटएवर यू आर सेइंग इज टोटली इरैशनल. क्या बोल सकते हैं, इट इज टोटली इरैशनल. रैशनल का मतलब क्या होता है, लॉजिकल, उसमें कुछ तो बात है, लॉजिकल सेंस है. यस, और इरैशनल इज लाइक समथिंग दैट इज सेंसलेस, देयर इज नो मीनिंग टू इट, देयर इज नो लॉजिक टू इट. ओके, नाउ आई विल रीड द टेक्स्ट विद यू. यस, अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर मॉडरेट्स द ड्रेड ऑफ फियर. ड्रेड का मतलब होता है फियर, मतलब मॉडरेट करता है उसको, हेल्प करता है उसको कम करने को. यस, इट नॉट ओनली गिव्स अस फोर्टिट्यूड टू बेयर पेन. मतलब उसे हमें क्या मिलता है, फोर्टिट्यूड इज करेज, स्ट्रेंथ. बट सुनो ना, जिनको नहीं पता चला, चलो वहां पर डिक्शनरी नहीं होगी तो मैम कैसे समझेगा. अरे सुनो तो, इट नॉट ओनली गिव्स अस फोर्टिट्यूड टू बेयर पेन, मतलब इट इज, वी आर एबल टू बेयर पेन. क्यों? बिकॉज वी लीड अ एक्टिव लाइफ. अ पर्सन हु इज नॉट फिजिकली एक्टिव मे नॉट बी एबल टू बेयर द पेन, बट अ पर्सन हु इज फिजिकली एक्टिव इज एबल टू बेयर, ही हैज अ करेज टू बेयर दैट पेन. ओके, सो फोर्टिट्यूड का मीनिंग नहीं समझा तो भी आप ये पैसेज की मीनिंग समझ सकते हो. इतना छोटे पैसेज में से आप चार सेंटेंसेस तो खुद के लिख ही सकते हो. फोर्टिट्यूड का मतलब होता है स्ट्रेंथ और करेज. Rather, its dictionary meaning should be courage. But also teaches us at every step the precarious tenure on which we hold our present being. You know, precarious tenure ka matlab precarious is uncertain. Uncertain, not limited. You don't know it's limited. Some person may live up to 90 years. Some may live at 60, may die at 60. Somebody at 50, 55. So it's precarious matlab it is uncertain. वैसे भी सब लिखने का इश नहीं है अपने को. सिडेंटरी एंड स्टूडियस मेन आर द मोस्ट एप्रीहेंसिव ऑन दिस स्कोर. मतलब उनको सबसे ज्यादा लाइफ फियर होते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा फियर होता है. सिडेंटरी मतलब अ पर्सन यू सिटिंग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. सो अ पर्सन हु रिमेन सीटेड for most of the time, like you guys right now are having a sedentary lifestyle and you're going to have this like this for the next 3 years if you're pursuing the CA course, and it's not a good lifestyle, and that is why you must have some hobby. ओके, मतलब किसी को अगर बैडमिंटन खेलना, ऐसा नहीं कि कोई टूर्नामेंट में पार्ट लेना है. किसी को बैडमिंटन पसंद है, टेनिस पसंद है, किसी को डांस अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, प्लीज़ फॉलो दैट हॉबी ऑफ योर्स. किसी को क्या, सोना अच्छा लगता है, क्या बोला. ओके, डॉक्टर जॉनसन, तुम दोनों है ना कल से इधर आगे आके बैठोगे. हाँ, द टू ऑफ यू, समझा क्या. ओए तुम दोनों, हाँ जो एक दूसरे के पास देख रहे हैं ना, दोनों पीछे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, वो ही दोनों, वही. ओके, फोकस. डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन वॉज एन इंस्टेंस इन दिस पॉइंट. अ फ्यू ईयर्स, तो एक एग्जाम्पल दिया है. डॉक्टर जॉनसन वॉज अ इंस्टेंट, मतलब डॉक्टर था तो वो हमेशा बैठ के उसका काम होता था, उसको टाइम नहीं मिलता था, इमरजेंसीज होती, तो ही डिडंट गेट टाइम. अ फ्यू ईयर्स सीम टू हिम ओवर सून. A few years seemed to him soon over compared with those sweeping contemplations on time and infinity with which he had been used to pose himself. In the still life of a man, letters, man of letters, there was no obvious reason for change. Man of letters matlab jo baith ke sirf, you know, typing kar rahe, baithe hue hai, unki life mein koi change nahi hai. So there was no obvious reason for change. He may sit in an armchair and pour out cups of tea to all eternity. Matlab
फॉर एवर एंड एवर ही सिटिंग ऑन इज आर्म चेयर एंड फॉर एवर एंड एवर सिटिंग इन इज आर्म चेयर ही इज हैविंग लॉट ऑफ कप्स ऑफ टी. इन शॉर्ट सबका मतलब है सेडेंटरी या इनएक्टिव लाइफ. एक ही सेंटेंस हमको इस पूरे लाइंस के लिए देना है कि जो इनएक्टिव रहते हैं उनको फियर ज्यादा होता है. एक्टिव लाइफ विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर फियर, मॉडरेट योर फियर ऑफ डेथ. ही माइट सिट इन एन आर्म चेयर एंड पोर आउट कप्स ऑफ टी टू ऑल इटर्निटी विच इट हैड बीन पॉसिबल फॉर हिम टू डू सो. द मोस्ट रैशनल मतलब द मोस्ट लॉजिकल सेंसिबल. रैशनल का मतलब लॉजिकल सेंसिबल. मैं ये पढ़ती हूँ और फिर आपको टाइम देती हूँ मीनिंग्स लिखने के लिए पीछे, ठीक है. द मोस्ट रैशनल क्योर फॉर ऑल द इनऑर्डिनेट फियर ऑफ डेथ. अभी इनऑर्डिनेट नहीं समझा सपोज, बट ठीक है. द मोस्ट रैशनल क्योर फॉर फियर ऑफ डेथ व्हाट इज दैट. मीनिंग्स मैं आपको देती हूँ इज टू जस्ट वैल्यू लाइफ. सो सबसे सेंसिबल चीज क्या है? वैल्यू लाइफ. जितना लाइफ मिला है अच्छे से जियो, खुश होके जियो. दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट. वैल्यू योर लाइफ. इफ वी मेयर विश टू कंटिन्यू ऑन द सीन टू इंडल्ज आर हेड स्ट्रॉन्ग ह्यूमर एंड टॉर्मेंटिंग पैशंस वी हैड बेटर बी गॉन एट वंस एंड इफ वी ओनली चेरिश द फॉन्डनेस ऑफ एग्जिस्टेंस. मतलब वी शुड बी हैप्पी दैट वी आर एग्जिस्टिंग. यस टू द गुड वी डिजायर फ्रॉम इट. The pang, मतलब sadness, the sadness we feel at parting will not be very severe. तो हमें death के time इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, ठीक है. अभी आपको कुछ dictionary meanings लिखने हैं, आप कहाँ लिखोगे? इसी page पे लिखना है तो आप यहीं पे लिखो. Yes, please, बोलो. हाँ हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं लिखे ना, उनको देना पड़ेगा. आई हैव टू सी फॉर एवरीबडी. हाँ हाँ, आइयो आइयो, चलो चलो. प्रिकैरियस का मतलब क्या है? अनसर्टेन. ए हाँ, लिखो चलो जल्दी. प्रिकैरियस का मतलब, आइयो, प्रिकैरियस की तरह मिला क्या? आइयो, गलती से मैंने काट डाला उसको. प्रिकैरियस, उसके बाद फोर्टिट्यूड मतलब करेज लिखा. इधर रे, देख फोर्टिट्यूड इधर ही छे, फर्स्ट लाइन पे छे. हाँ, उसके बाद सेडेंटरी, उसका एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग इज स्पेंस मोस्ट मच टाइम seated, spends most time seated. ये meaning हो गया. उसका synonym बोलना है तो आप inactive बोल सकते हो. So sedentary का spends most time seated, S-E-A-T-E-D, seated. So most of the time you're seated. Rational, logical. Okay. सिडेंटरी स्पेंड्स मोस्ट टाइम सीटेड. ये मीनिंग्स कोई पूछने नहीं वाला है आपको, कुछ नहीं है. बट आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाए इसके लिए मैं साइड बाय साइड आपको देती जा रही हूँ. आपको बिल्कुल चार लाइंस लिखना पॉसिबल है बिना मीनिंग्स डायरेक्टली समझे. पैसेज के फ्लो में जाओ. फिर उसके बाद इनऑर्डिनेट मतलब वेरी ह्यूज, ह्यूज फियर ऑफ डेथ. ठीक है ना, फियर ऑफ डेथ हमको समझाया. इनऑर्डिनेट इज ह्यूज फियर. क्या रे? इंडल्ज, इंडल्ज है क्या? हाँ, इंडल्ज मीन्स टू अलाउ टू एंजॉय समथिंग. लाइक यू नो आई एम गोना, व्हाट आर यू गोना डू आफ्टर रिटायरमेंट? ओ आई वांट टू रिटायर सून बिकॉज आई वांट टू इंडल्ज इन माय पैशन ऑफ गार्डनिंग और आई वांट टू इंडल्ज इन माय पैशन ऑफ कुकिंग और बेकिंग और समथिंग लाइक दैट. अ पर्सन वुड से नो नो इम्प्लीमेंट नहीं. I want to indulge means I want to enjoy. Enjoy my passion of gardening. Indulge का मतलब है enjoy. ठीक है, लिखना तू पहले ही लिखा. हाँ, फिर क्या लिखा? Implement क्यों बोला तूने? हाँ, तो indulge is equal to enjoy. हाँ, और कौन सा word चाहिए? Tormenting. Tormenting is
इतना तुम ठीक है लिखो, कॉजिंग सिवियर मेंटल और फिजिकल पेन. कॉजिंग सिवियर टॉर्मेंटिंग इज कॉजिंग सिवियर मेंटल और फिजिकल सफरिंग. टॉर्मेंटिंग मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू से, देखना वर्ड्स आपको ढूंढने में अगर दिक्कत हो रही है तो. क्या बोला मैंने? हाँ, कॉजिंग फिजिकल और मेंटल सफरिंग. कॉजिंग फिजिकल और मेंटल सफरिंग. कि आप बोल सकते हो आई वॉज इन केरला में फ्लड्स के टाइम, आई वॉज देयर, इट वॉज अ वेरी टॉर्मेंटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. सो इट कॉज मी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई वहाँ का, ऐसे देख के या एक्सपीरियंस करके, फ्लड वहाँ का एक्सपीरियंस करके, इट वॉज अ टॉर्मेंटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. बराबर? हाँ ये चलो चलो अभी फटाफट चार लाइन्स, अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको, मॉड्यूल ने इसके स्टेप्स कैसे दिए वैसे ही आपको स्टेप्स सिखाती हूँ कैसे लिखना है. लिखेंगे कहाँ? नोटबुक में. कहाँ लिखेंगे? नोटबुक. एक ध्यान देंगे आप नोटबुक में, अभी आपका चैप्टर कौन सा कंप्लीट हुआ है? नोट मेकिंग. नेक्स्ट पेज आप ब्लैंक छोड़ोगे, लिखो ब्लैंक फॉर नोट मेकिंग. अगर आपको नोट मेकिंग में कभी कुछ नोटिंग करना है, आपको एग्जाम के पहले इतना सा ये बुक, इतने थोड़े पेजेस है वो पढ़ के जाना है आपको, ठीक है? एक पेज ब्लैंक छोड़ देना, ब्लैंक पेज फॉर नोट मेकिंग ऐसा लिखो. नहीं तो आप बोलोगे मैंने ब्लैंक क्यों छोड़ा है, मेरा कुछ छूट गया है क्या, सब भूल जाते फिर हम बाद में. तो ऐसा ही लिखो ऊपर, ब्लैंक पेज फॉर नोट्स ऑफ नोट मेकिंग. ब्लैंक पेज फॉर नोट्स ऑफ नोट मेकिंग. बरोबर? हाँ. फिर नेक्स्ट चैप्टर का नाम दे दो, प्रेसी राइटिंग. दे दिया. आर यू ऑल नंबरिंग योर नोटबुक टू स्टूडेंट्स? नेबर्स प्लीज चेक, सब नंबरिंग कर रहे क्या? देखो चेक करो नेबर्स. कौन रे? पहला वन ए है ना, ए पैसेज, ए पैसेज ए के लिए स्टेप्स, स्टेप वन. मॉड्यूल ने जैसे स्टेप्स दिए एक एक तो आपको समझ में आ जाएगी. तो लिखो स्टेप वन. पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई. अच्छा एग्जाम में ऐसे स्टेप्स लिखना है क्या? नहीं, डायरेक्ट प्रेसी लिखने का है, समझा ना? एग्जाम में डायरेक्ट प्रेसी लिखने का, ऐसा नोट भी लिख के दे दूंगी एंड में, ऐसा मेरे को कोई भी डाउट नहीं चाहिए, एवरीथिंग शुड बी क्लियर. हाँ अरे हम पढ़ी वही वो सब्जेक्ट रहे और हमारे नोट से अगर कंफ्यूजन हो जाए तो क्या बात है फिर, है ना? हमारा हम ही वही पढ़ रहे कि कैसे अच्छे से लिखना चाहिए. हाँ, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया. तो करो आइडेंटिफाई और बताओ क्या है मेन आइडिया. वेरी गुड. यू नो वी आर डिस्कसिंग हूज फियर ऑफ डेथ, थर्ड पर्सन, सो पीपल्स, जनरल पीपल ना, पब्लिक हमारे लिए बात नहीं कर रहे, हमेशा हम किसके हिसाब से बात करते हैं? थर्ड पर्सन. सो पीपल्स फियर, पीपल्स फियर ऑफ डेथ और क्या बोला है इसमें, आगे क्या बोला है कि क्यों कुछ लोगों को डर लगता है और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है. यू नो why people get scared, why people are scared and how you can overcome the fear. So that also we are knowing. It also discusses why some people and how this fear can be overcome, barabar. Ab main points or facts, ab passage mein se main points or facts likho jo hamare presi ka part banenge. मेन पॉइंट्स और फैक्ट्स, मुझे एक चार से पांच मेन पॉइंट्स और फैक्ट्स चाहिए
जो हमें हमारी लैंग्वेज में लिखने हैं. पहले तो हु फियर्स, हु डजंट फियर, इफ यू लीड अ एक्टिव लाइफ यू विल नॉट हैव द फियर ऑफ डेथ. करेक्ट, इज दैट द मेन पॉइंट दैट स्टार्ट्स विथ. यस, सो मेन पॉइंट्स लिख रहे. फर्स्ट वन, वी डू नॉट फियर डेथ. If we live an active life, बरोबर. तो कौन डरता है डेथ से ज्यादा? इनएक्टिव. यस, सो इधर उन्होंने उनकी लैंग्वेज में ऐसे भी लिखा है, द पीपल हु कीप स्टडिंग एंड कीप सिटिंग, पीपल हु कीप स्टडिंग and keep sitting are the ones who fear death the most. बरोबर का. चलो, हाँ हाँ बनाएंगे ना. अभी सिर्फ हम प्रेसी नहीं लिखा है, हम सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे. फिर जब मैं प्रेसी करूंगी तो थर्ड पर्सन के हिसाब से लिखेंगे. यस, राइट डाउन. those people who keep studying and sitting and sitting fear death the most. Students, अगर आप उस पैसेज में एक रीजन देख पाते हो ना, देखो एक हिडन एक दिया है, वो भी ना क्लियर वर्डिंग में दिया है. ये लिखो फिर मैं बोलती हूँ मुझे क्या चाहिए. अच्छा, ऑथर ने ऐसा कुछ रीजन दिया है क्या कि इनएक्टिव लोग ट्राई एंड सर्च, एंड प्लीज डोंट शाउट द आंसर. नोबडी शाउट्स द आंसर, नोबडी शाउट्स द आंसर, इज दैट क्लियर? हाँ, नाउ लिसन, मुझे आपसे ये चाहिए. क्यों, मैं क्यों नहीं चाहती कि समबडी शाउट्स. जो स्टूडेंट फास्ट है उसने ढूंढ लिया, फिर बाकी के बच्चे एफर्ट्स नहीं लेते. आई वॉन्ट एवरीबडी टू टेक द एफर्ट. एवरीबडी विल गेट द आंसर एंड एवरीबडी फील्स हैप्पी, ओ वाव आई गॉट द आंसर. आई वॉन्ट दैट टू हैपन विथ ईच एंड एवरी चाइल्ड इन द क्लास. ना सुनो, लिसन, देखो ऑथर का मुझे जरा लॉजिक बताओ ना. तुम्हारा लॉजिक नहीं चाहिए मुझे, हम प्रेस ही लिख रहे हैं तो हमें किसका लॉजिक चाहिए? ऑथर का. ऑथर ने एक लॉजिक बताया है कि जो ये इनएक्टिव लोग होते हैं ना, इनको बहुत डर लगता है डेथ का. ऐसा क्यों हो सकता है? कहीं तो ये ढूंढ के बताओ, और बताओ मत, खुद के पास रखो, ढूंढो. क्या, शाबाश. ऑथर का लॉजिक ढूंढना है कि उसको इनएक्ट, ऐसा क्यों लगता है कि इनएक्टिव लोगों को डर लगता है डेथ का. जो आंसर चिल्लाएगा वो इधर आके खड़ा रहेगा इधर 10 मिनट, या उधर वॉल को फेस करके उसको खड़ा करूंगी उधर. मैं भी ढूंढू क्या? ठीक है, मैं भी ढूंढती हूँ. प्रेस ही रहते. मुझे मिल गया. आपको मिला? क्या बोलता है रे? डन. डोंट शूट द ब्रीज. ओके, मिला सबको? डिड यू गेट इट? गेट समथिंग एटलीस्ट? सी, आई टेल यू, दिस इज व्हाट आई हैव गॉट एंड दिस इज द आंसर. द मोस्ट, यस, नो नो नो, दैट, वेट वेट वेट. हाँ, ही माइट सिट इन एन आर्म चेयर
एंड पोर आउट कप्स ऑफ टी टू ऑल इटर्निटी, वुड इट हैपन बीन पॉसिबल फॉर हिम टू डू सो? वन नहीं, किधर गया? नो 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 नो, नॉट दैट. एक सेकेंड, मैं मेरा आंसर दे रही हूँ. हाँ, इन द स्टिल लाइफ ऑफ, स्टिल लाइफ मतलब इनएक्टिव, स्टिल है लाइफ. कैसी है? इनएक्टिव है, स्टिल लाइफ, नो मूवमेंट, नो चेंज. ऑफ अ मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स मतलब जिसको बैठ के लिखना है, बैठ के पढ़ना है, मैन ऑफ लेटर्स. देर वॉज नो ऑब्वियस रीजन फॉर चेंज, मतलब दीज पीपल हु आर इनएक्टिव, दे डू नॉट लाइक चेंज. आपको आपके कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना है. सो यू डोंट लाइक, नहीं मुझे यहीं पर बैठ के पढ़ना ही अच्छा लग रहा है या सिर्फ पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है. नो, यू हैव टू गो एडवेंचर समथिंग, ट्राई सम न्यू स्पोर्ट, डेवलप सम न्यू हैबिट, यू नो, दैट इज वॉट यू शुड डू. देन देर इज फन टू लाइफ, देर इज मीनिंग टू लाइफ. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो ये है द रीजन वॉट द ऑथर फील्स कि इनएक्टिव लोगों को चेंज पसंद नहीं है, इसीलिए उन लोगों को डेथ भी का डर ज्यादा लगता है. राइट, अ पर्सन हु इज यूज्ड टू चेंज, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, देयर चेंज ऑफ लोकेशन. कोई लोग होते, नहीं नहीं मुझे जॉब में अगर ट्रांसफर मिला है पूना से बॉम्बे जाना है, नहीं नहीं कैसे जाएंगे, बॉम्बे में मुझे घर मिलेगा क्या, लोग कैसे रहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा? अरे लगेगा, तुम ट्राई तो करो. बी रेडी फॉर चेंज, बी ओपन फॉर चेंज. डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट्स द थर्ड मेन पॉइंट दैट वील राइट डाउन. लिखो कितने लोगों को सही आया था, लगा कि ये है, किसी को और भी कुछ लग सकता है रीजन, है ना. हाँ, वैल्यू लाइफ, ये फोर्थ है. बहुत लोगों ने वैल्यू लाइफ किया है, वो तो सबने करना चाहिए. एक्टिव इनएक्टिव सभी लोगों ने लाइफ को वैल्यू करना चाहिए, वो सिर्फ इनएक्टिव लोगों के लिए नहीं, वो सबके लिए है. चलो लिखो, किधर गया, क्या रे, क्या बोलता है वो, थर्ड लिखो. दिस हैपेंस बिकॉज this happens because they lead an inactive life and do not want any change and do not want any change. करेक्ट. मोस्ट सेंसिबल सोल्यूशन क्या है इन चीजों का? मोस्ट सेंसिबल सोल्यूशन इज टू वैल्यू लाइफ. करेक्ट, राइट डाउन द मोस्ट सेंसिबल सोल्यूशन. सेंसिबल मैंने किस वर्ड के लिए यूज किया पैसेज में? क्या वर्ड यूज था? रैशनल वर्ड. ओरिजिनल वर्ड क्या था? रैशनल. तो यू कैन से द बेस्ट वे, द बेटर वे, द बेस्ट या द सेंसिबल लॉजिकल वे. ओके, द मोस्ट सेंसिबल वे टू कम आउट ऑफ द फियर इज बाय valuing life. Next वाला भी नहीं लगेगा इतना अपने को. एक sentence उन्होंने दिया है, fifth दिए है, पांच दिए है उन्होंने. Fifth उन्होंने ये बोला है, we should be comfortable with the knowledge that life is unpredictable. मतलब हमें पता है life is unpredictable and that a hold upon life is very uncertain, you know. Like I always tell students at inter level कि आप अगर मुझे एग्जाम के बाद आके बोलोगे कि मैम पेपर डिफिकल्ट था, डोंट टेल मी दैट. इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट. इट्स अ प्रोफेशनल लेवल एग्जाम, इट्स नॉट अ बीकॉम लेवल एग्जाम. एग्जाम का लेवल ये है तो हमें हमारा लेवल बढ़ाना है. पेपर डिफिकल्ट है ये नॉन फैक्ट है, बिकॉज ये सीए एग्जाम है. तो आके बोलना मत कि पेपर डिफिकल्ट था, इस बार अकाउंट्स का डिफिकल्ट था, इस बार टैक्स. अरे कोई ना कोई होने ही वाला डिफिकल्ट. बाय यू गेटिंग अपसेट, ये नॉन फैक्ट है. जैसे लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, वैसे भी ये नॉन फैक्ट है कि सीए के पेपर्स डिफिकल्ट होते हैं. दे आर अ हार्ड नट टू क्रैक. व्हाट इज इट? दे आर अ हार्ड नट टू क्रैक. सो सम डिफिकल्ट थिंग इट इज, डेफिनेटली. तो आप आपकी तैयारी अच्छी रखो ना, कि आपको डिफिकल्ट पेपर आसान लगे. समझ में आ रहा है सबको? हाँ. तो फिफ्थ,
फिफ्थ उन्होंने बोला है वी शुड बी कंफर्टेबल दैट लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल एंड इट इज वेरी अनसर्टन. बट आई डोंट थिंक हम प्रेसी में इतना यूज कर पाएंगे. फिर भी लिखूँ क्या, लिखवाओ क्या ये पॉइंट? मुझे भी नहीं लगता है. स्टेप थ्री, प्रेसी के स्टेप्स लिख रहे हैं हम लोग. स्टेप थ्री, मेन आइडिया पता चला, चार पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर दिए. अब स्टेप थ्री, एक टाइटल सोचने का इसके लिए. सो सूटेबल टाइटल. द फियर ऑफ डेथ. एंड आई टेल यू वन थिंग, कुछ बहुत अलग नहीं किया ना. यू बी वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट. दैट्स द बेस्ट थिंग. हर बार ऐसा मत सोचो कि टाइटल है तो मुझे अलग देना है, कुछ अलग देना है. कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. सिंपल. द फियर ऑफ डेथ आ गया टाइटल हमारा. हाँ, अब स्टेप फोर, पहला ड्राफ्ट. पहला ड्राफ्ट ऑब्वियसली कौन बनाएगा? पहला ड्राफ्ट ऑब्वियसली आप बनाओगे. आपके ऊपर चार पॉइंट्स दिए हुए हैं, बना दो ड्राफ्ट. बातें नहीं, बातें नहीं. कमान, लेट्स टेक इट सीरियसली. कमान, क्विक, मेक द फर्स्ट ड्राफ्ट. फटाफट करो. फटाफट पहला ड्राफ्ट बनाओ. ट्राई एंड कवर एवरीथिंग. पहला ड्राफ्ट कवर करो, उसके सेंटेंसेस काउंट करो या वर्ड्स काउंट करो. ऊपर इंस्टीट्यूट ने बोला है ऊपर के पैसेज में ओरिजिनली 200 वर्ड्स है, तो आपके देखो कितने वर्ड्स बनते हैं. ये पहला ड्राफ्ट है. पहले ड्राफ्ट में शॉर्ट करने की जरूरत मत करो. फर्स्ट ड्राफ्ट है, लिखो, फिर फाइनल ड्राफ्ट आएगा. ठीक है? क्या हुआ? बोल 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 ना. हाँ हाँ, ट्राई 4 to 5 लाइन्स एंड देन वी एक्चुअली काउंट वर्ड्स एंड देन इफ यू फील कि अरे एखादा सेंटेंस लिखते वक्त तुमने बड़ा फ्रेम कर दिया, देन कैन इट गेट इवन शॉर्टर, देन वील शॉर्ट इट, एडिट इट एंड देन कम टू द फाइनल ड्राफ्ट. सो 4 to 5 लाइन्स आप ट्राई करो, देन फिर एडिट करेंगे. ये समझ में आ रहा है दोनों को? उधर तुम दोनों को. समझ में आ रहा है? ए, तुमको कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछते जाओ. वा, डोंट गेट स्केर्ड टू आस्क डाउट्स, बट गेट स्केर्ड इफ यू मिस लेक्चर्स, यू डोंट डू होमवर्क, यू टॉक टू मच इन द क्लास. आज तुम्हारा लॉ का क्लास नहीं है इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा देर लेने वाली हूँ और हर्षद सर जल्दी आएंगे. मैं देख के आई कल. ताना जी, नाइस इट इज. यस, नहीं रे, मोबाइल पे थिएटर में देख के आई मैं. नो, 2D, आई डोंट लाइक 3D. 3D इज गुड. हाँ, क्या इफेक्ट्स अच्छा है क्या उसका? आँख में तिरजर है. So you don't have a law class today. I'll be extending the class. Of course, if you require, I'll give you a break in between. Ya hum ek haath dam sharas khel lenge. Non-verbal communication. जब तक हर्षद सर ऑडिट का क्लास नहीं छोड़ते तब तक मुझे आपको एंगेज करना है. I have to engage you constructively and not just in games, no? No.
ओके अच्छा फाइनल ड्राफ्ट बना आपका फर्स्ट ड्राफ्ट बना फाइनल नहीं फर्स्ट इजी है ऊपर लिखा हुआ ही है हमने तो वैसे ही अगर आपने लिखा तो मुझे बताना जरा कितने वर्ड्स बने एक्चुअली काउंट करो काउंट द वर्ड्स कम बने फिर तेरे ए, मुझे लग रहा है चार से ज्यादा उधर को फिफ्थ पॉइंट हमने देना चाहिए तुम्हारा बहुत शॉर्ट हो रहा है फिर फिफ्थ पॉइंट देंगे हम लोग 42 इज वेरी लेस 200 का वन थर्ड क्या है 65 सो यू हैव टू राइट दैट मच या इन्होंने जो प्रेसी फर्स्ट ड्राफ्ट किया उसमें 80 वर्ड्स आए फिर उन्होंने उसको 60 को कट डाउन किया एक मिनट मैं फिफ्थ सेंटेंस भी आपको देती हूँ तो वो लास्ट लाइन आपको ऐड करने आ जाएगा फिफ्थ यहाँ पे स्टेप टू में ऐड करो मच नहीं करने का मेरे क्लास में क्या बोला मैंने फिफ्थ स्टेप थ्री के ऊपर एक सेंटेंस ऐड करो मतलब कर यस हाँ और किसी को तकलीफ हो रही है ना वो ऐड नहीं हो रहा है पूरा काट के पूरा फिर से लिखो एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है नहीं तो पूरा काट के फिर से लिखेंगे स्टार्टिंग से नो प्रॉब्लम हो रहा है ना एडजस्ट अच्छी बात है जो पॉइंट ऐड करना है वो मैं आपको यहाँ पे ब्लैक में लिख के दे रही हूँ हाँ लिसन वी शुड बी कंफर्टेबल वी शुड बी कंफर्टेबल विद द फैक्ट We should be comfortable with the fact that life is unpredictable and uncertain. ठीक है अब इसको ड्राफ्ट में ऐड कर दो और फर्स्ट ड्राफ्ट के वहां पे कितने वर्ड्स बने आपके वो ब्रैकेट में लिख दो डैश वर्ड्स कितने बने रे 70 हाँ ठीक है सो यू नो व्हाट द इंस्टीट्यूट सेज हियर सबने वर्ड्स लिखे क्या सबके 60-65 के ऊपर गए क्या काउंट करो ना कितने गए तेरे 65 हाँ ठीक है ना सी स्टेप 5 हो गया क्या बच्चा लोग ये अयो जल्दी करो ना हो गया फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा सबने फर्स्ट ड्राफ्ट के वर्ड्स काउंट करके अभी हम स्टेप 5 में लिखेंगे रेडी क्या स्टेप 5 स्टेप 5 में राइट डाउन प्रेसी कैन नॉट एक्सीड One third of the original text cannot exceed one third of the original text. Original passage is approximately 200 words. Original passage is approximately 200 words. The precis cannot exceed 65 words.
स्टूडेंट्स शुड एडिट द ड्राफ्ट, एडिट द ड्राफ्ट इफ रिक्वायर्ड. तो क्यों आपको कब एडिट करना पड़ेगा ड्राफ्ट? यस, अगर आपके 65 से ज्यादा है मतलब हमें एडिट करना पड़ेगा, मतलब हमें फिर से वो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा जहां पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, जहां पे हम शॉर्ट में, जैसे एक ही आपने लंबा सेंटेंस किया होगा, आपको अभी लगभग वर्ड्स पता है, आपको कितने वर्ड्स कट डाउन करने हैं तो आप वैसे कट डाउन कर. एग्जांपल के लिए इंस्टीट्यूट का फाइनल ड्राफ्ट पढ़ के बताती हूँ, सिर्फ पढ़ती हूँ, सुनो. जरूरी नहीं है आपके वर्ड्स और इंस्टीट्यूट के वर्ड्स सेम यूज किए जाए. देखो पहला इन्होंने क्या बोला है, फाइनल ड्राफ्ट है इनका. इनका पहला ड्राफ्ट तो 80 इसका आया है, 80 वर्ड्स. इनका फर्स्ट ड्राफ्ट पढ़ू पहले? फर्स्ट ड्राफ्ट सेज इफ वी लीड एन एक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर्स वी विल फियर डेथ लेस. पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लेजिंग अराउंड एंड लीडिंग अ पीसफुल लाइफ आर द वंस हु आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ डेथ. आपने आपके वर्ड्स में लिखा है, चलता है क्या? लिखना ही चाहिए अपने वर्ड्स में, ऐसा ही रूल है. दिस इज बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट एनी चेंज. द मोस्ट सेंसिबल वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ फियर ऑफ डेथ इज टू वैल्यू लाइफ प्रॉपरली. इफ वी डू नॉट गिव अननेसेसरी इंपॉर्टेंस टू आर लाइफ वी विल नॉट फील द पैंग ऑफ डेथ. ये इन्होंने ड्राफ्ट बनाया. अभी इन्होंने लास्ट पैंग ऑफ ये दे दिया उनको मेन पॉइंट्स के बाद भी, फिर भी लगा कि पैंग ऑफ लाइफ उनको लगा कि इंक्लूड करना चाहिए, इसलिए किया. अभी उनका फाइनल ड्राफ्ट, ये जो पहला ड्राफ्ट पड़ा इसमें कितने वर्ड्स थे? 80 उन्होंने एडिट किया. इफ वी लीड एन एक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर्स वी विल फियर डेथ लेस. हमारा भी यही है ना, इफ यू लीड एन एक्टिव लाइफ द फियर ऑफ डेथ इज लेस. पीपल हु लीड अ लेजी एंड पीसफुल, हमने क्या लिखा है? पीपल हु आर सिटिंग एंड स्टडिंग विल ऑलवेज हैव फियर ऑफ लाइफ. व्हाई सो? बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट एनी चेंज. द मोस्ट सेंसिबल वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ फियर ऑफ डेथ इज टू वैल्यू लाइफ. डू नॉट गिव अननेसेसरी इंपॉर्टेंस टू लाइफ then we will not feel the pang of death. ये उनका लगभग मुझे लगता है 60 words के आसपास हो गया. जिनके words अभी ज्यादा बने, पहले क्या प्रेसी में आपने point by point लिखा है? नहीं, जैसे summary में एक पैरा करते वैसे ही करना है. अब किसके words ज्यादा है, किनके words ज्यादा है? 70, 65 से ज्यादा है? अरे बोलो ना जल्दी, दो words ज्यादा है किसके? और 70 आया था ना किसी का? नहीं आया था. तो आप अच्छे बच्चे, आपके पहले ड्राफ्ट में सही प्रेसी बन गई है. जिनको अगर ज्यादा वर्ड्स आ गए तो हमें कुछ कट करके फाइनल प्रेसी बनना है. तो इज अदर वर्ड्स द करेक्ट वर्ड्स आपके 65 के अंदर आ गए सबके? यस. तो वो जो ड्राफ्ट है देन उधर ही आप पेंसिल से मार्क, पेन से लिख दो, दिस इज द फाइनल प्रेसी बिकॉज इट इज विद इन 65 वर्ड्स. लिखो, दिस इज द फाइनल प्रेसी बिकॉज इट इज विद इन 65 वर्ड्स. करेक्ट, दिस इज द फाइनल प्रेसी बिकॉज इट इज विद इन 65 वर्ड्स. ठीक है, बराबर. दूसरा पैसेज बहुत लेंदी है, हम तीसरा करेंगे. एक मिनट का मैं ब्रेक, पहले कोई आएगा यहाँ पे डमशरस करने को, आई जस्ट सी बाजू की क्लास में, नहीं छूटा होगा तो एक और मैं आपको प्रेसी करवाऊंगी अभी. ठीक है, एक मिनट का ब्रेक पहले. इन द क्लास हियर ओनली. हाँ, पांच नहीं रहे, बाहर जाके आने का है क्या? रुको मैं चेक करती हूँ एक मिनट. पहले हर्षद सर ने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, लेट मी चेक. सॉरी, छोड़ दिया ना, आवाज तो वैसे ही आ रही है. रुको, कोई यहां से हिलेगा नहीं. ए, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अभी तक ऑफिशियली मैंने अनाउंस नहीं किया. रुको, नहीं नहीं हर्षल सर की क्लास नहीं छूटी है. ए बाहर नहीं, तुम लोग अभी मत ब्रेक लो. क्या हुआ? फिर 5 मिनट का ब्रेक, मतलब तुम 5 मिनट में नहीं आओगे? मैं टाइमर लगा रही हूँ, जाओ फिर जाओ. मैं टाइमर लगा रही हूँ, मैं 6 मिनट को मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लेक्चर.
हाँ इधर सॉन्ग लगा दो, 5 मिनट जाके आओ। हाँ ऑब्वियसली गो फास्ट, हूएवर वांट्स अ ब्रेक गो फास्ट, जाओ जल्दी जाओ और जल्दी आओ। हाँ हाँ जल्दी जाओ, ये जाओ ना, ब्रेक दिया मैंने 5 मिनट का। हाँ जाओ जल्दी उठो, डोंट सिट हियर, यू शुड ऑलवेज वांट अ चेंज, एक जगह पे मत बैठो, ब्रेक लेके आ जाओ, रिफ्रेश हो जाओगे। गो फास्ट, लीड एन एक्टिव लाइफ, कम ऑन गो फास्ट एवरीबॉडी, गो आउट, कॉल एवरीबॉडी फास्ट ना, पैसेज रीडिंग सब साथ में रहते तो करने आता है ना, पैसेज डबल टाइम जाता है, पैसेज रीडिंग करना है सब। अब मैं स्टार्ट करना, मैं तो इधर ही रुकी हूँ। ए चलो जल्दी आ जाना, पैसेज रीडिंग एक फटाफट प्रेस ही कर देंगे खत्म। अयो ए अमर मुलाना पटकन आठ पाठवना, थैंक यू, ठेव ठेव, थैंक यू। Fast, come on. Get in fast. See, this is what happens with a 5 minutes break. 16:02, 11 minutes ka break hua exactly. 16:02, I gave you a break. Shh. Hey, kya hua rahe? Kya rahe? मिस होता है ना बच्चों का, इसके लिए मैं रुकी हूँ। ए जल्दी चलो, 10 मिनट का ब्रेक था क्या ये, जाते वक्त कितना लेट गई। चलो सब आ जाओ जल्दी, आ गए क्या सब? ए आवाज मत कर तू। मुगली बराबर बोले आनंद सर, जल्दी आओ ना अंदर, चलो चलो। ओके एवरीबॉडी क्लैप योर हैंड्स एंड गेट चार्ज्ड अप फॉर द नेक्स्ट पैसेज, कम ऑन फास्ट। ओके नाउ लिसन, ब्रेक क्यों लिया 10 मिनट का, अब मैं कोई सॉन्ग वॉन्ग नहीं चलाने वाली। ए तुम लोग पैसेज 3 पढ़ो, सी ए कोई सागर कौन बुला रहा, देखो उसको। हाँ लास्ट डे आई गिव ना, मेरे आधे आधे लेक्चर्स हो गए, आधे ही बचे अभी। हाँ देती हूँ ठीक है, अरे एक को बुलाए दोनों चले। ओके लिसन गाइस, फोकस एवरीबॉडी, पे अटेंशन, रीड दिस। India's trade deficit with China increased to $52.69 billion in 2015. Passage A हमारा हो चुका है, B बड़ा है इसलिए मैंने skip किया है, पहले हम C complete करेंगे, right? Now, India's trade deficit with China increased to $52.69 billion billion in 2015-16 from $48.48 billion in the previous financial year. Parliament was informed on Monday during the April-September period of 2016-17, the deficit is at $25.22 billion. Commerce and Industry Minister Nirmala Sitharaman said in written reply to Lok Sabha. That time she was a industry and commerce minister. At present she is the first woman finance minister. I can't technically say first, I can say it, she was the first full time, she is the first full time finance minister, kyunki uske pehle kaun tha woman finance minister? When Indira Gandhi was a prime minister, she held two posts, like prime minister plus she was handling the finance also. So first full time finance minister is Nirmala Sitharaman. Last do jo finance minister the
कुछ ना कुछ फर्स्ट टाइम था, पीयूष गोयल जो निर्मला सीतारामन, ही वॉज द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स हैव बीन एडवोकेट्स एंड लॉयर्स लाइक पी चिदम्बरम, वी हैड प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह तो ऑफकोर्स इज अ डिफरेंट लेवल, ही इज एन इकोनॉमिस्ट बेसिकली, सो अदरवाइज मोस्ट ऑफ दैम अर्लियर दे वर एडवोकेट्स, बट सी ए पीयूष गोयल, अरुण जेटली इज एन ऑफकोर्स अ लॉयर, he was a lawyer, yes, most of these people, even Sushma Swaraj was a Supreme Court lawyer, Arun Jaitley was, Kapil Sibal is also at, currently he is in fact, abhi jo Maharashtra ka politics hua tha, uske liye case, jo Shiv Sena aur NCP ki BJP ne turant rato rat jaake raj governor ko, you know, ye karke government form kar diya, तो उसके अगेंस्ट जो केस फाइल हुआ था वो कपिल सिबल ने फाइल किया था. सो बट एनीवेज दिस इज जस्ट अ जनरल नॉलेज फॉर यू ऑल, यू लर्न मोर ऑफ इट इन द नेक्स्ट लेवल. यस, इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इंक्रीज टू व्हाटएवर टू सो एंड सो बिलियन, हम यहाँ पे थे कि इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेड इन अ रिप्लाई टू लोकसभा, इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट विद चाइना कैन बी एट्रीब्यूटेड प्राइमरी टू द फैक्ट दैट चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू इंडिया rely chinese exports to india rely strongly on manufactured items to meet the demand of fast expanding sectors like telecom and power, she said. India is negotiating the regional comprehensive economic partnership trade agreement keeping in view its offensive export interest as well as sensitivities with respect to all participating countries including China, she said. She added efforts are being made to increase the overall exports by diversifying the trade basket with emphasis on manufactured goods, services, resolution of market access issues and other non-tariff barriers. Kitne lines ka hai ye passage padh lo, lines count karna zara. I want the exact number. Andaza nahi chahiye mujhe yahan pe. 12. So somebody says 11, somebody says 12, somebody says 15. Ye ek fact hai and fact cannot change. Your answers may change, but the fact ki number of lines is going to be the same for all of us. Right? So what is the number for all of us? 12. One third of 12. Itne passage ki char lines ban sakti hai? Bahut aasani se ban sakti hai. Right? 12, yeah, so four lines. So first, read the passage again. Read the passage again. और जैसे ही आप पैसेज पढ़ रहे हो आपको दिमाग में, मुझे शाउट नहीं करके बताना है आंसर, आपके दिमाग में एक टाइटल सोचना है, टाइटल, एंड यू हैव टू थिंक ऑफ इम्पॉर्टेंट लाइंस कि क्या हुआ था ट्रेड डेफिसिट, कितना ट्रेड डेफिसिट है, किसने इन्फॉर्म किया और इसके लिए क्या, क्यों डेफिसिट हुआ और क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, ऐसे चार लाइन्स चाहिए. डू यू गेट इट? हाँ, आप लिखोगे कि साथ में लिखेंगे? साथ में लिखेंगे. आपका पढ़ के हुआ? मेन पॉइंट्स अंडरलाइन किया आपने? अब करो, दो मिनट और मैं आपको देती हूँ, प्लीज मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कीजिए. से आपको लगता है कि इंग्लिश है, प्रेसी राइटिंग हम लिख पाएंगे, बट रूल्स है ना बच्चा लोग, ऐसे नहीं आएगा आपको. Thank you.
ट्रेड डेफिसिट मतलब यू नो वी हैव अ हाँ कम, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स कम है लेकिन हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा है. यू नो इवन जब हम बजट देते हैं, अभी फेब्रुवरी में बजट आएगा, देयर विल बी अ बजट सेशन ऑफ कोर्स, तब बजट जैसे हम लोग घर का बजट बनाते हैं, या आप अगर हॉस्टेलाइट हो तो आप महीने का बजट बनाते हो कि घर से बोलते हो कि नहीं नहीं इस बार मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ये पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आप बोलते हो कि इन आपको पैसे कितने आए, खर्चे कितने हैं, फिर डेफिसिट हुआ कभी तो आप दोस्त से मांग लेते हो. तो इंडिया राइट नाउ जो हमारा इनकम है और हमारा डेफिसिट है, वी आर इनटू अ फिस्कल डेफिसिट, मतलब हमारा जो बजट बनता है उसमें हमारा डेफिसिट होता है, मतलब हमारे खर्चे ज़्यादा है और गवर्नमेंट का इनकम कम है. गवर्नमेंट का इनकम होता है टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो ये गवर्नमेंट का फिलहाल इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा है. खर्चे दो टाइप के होते हैं, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड. जैसे ऑल ऑफ अ सडन केरला में फ्लड आ गया तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. महाराष्ट्र में जैसे बहुत अनटाइमली बारिश हुई जा रही है तो वी हैड टू फार्मर्स का पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, सो यू हैव टू गिव सम कॉम्पनसेशन. तो दीज आर अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, समवेयर देयर इज अ वॉर और समथिंग लाइक दैट, सो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन डेवलपमेंट, डिफेंस एंड ऑल दैट स्टफ. गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्सेस से आते हैं जो हम उनको पे करते हैं. करूँ मैं डिक्टेट? हम साथ में करेंगे क्या? ठीक है, तो लिखते हैं नोटबुक में, हम लिखेंगे. ये प्रेसिस कौन से पैसेज के लिए? फॉर पैसेज सी. और हेडिंग क्या दोगे आप? So here they have given a heading, India's trade deficit will also be okay, but India's increasing trade deficit with China. एक मिनट, अगर आप increasing word नहीं बोलते तो भी चलता है, but you don't just say India's trade deficit, that's incomplete. India's trade deficit with China, this is only talking about that. हमारे हर country के साथ import export होते हैं, but this is talking about India's trade deficit with China. So they are saying increasing trade deficit, मतलब deficit हमारा बढ़ते ही जा रहे हैं. डेफिसिट बढ़ते जाना अच्छी बात नहीं है. यस, सो टाइटल इज इंडियाज इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना. इफ यू डोंट यूज द वर्ड इंक्रीजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे. कोई लिखेगा सिर्फ इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, एब्सोल्युटली ओके. मैं जो मॉड्यूल में दिया वैसे ही आपको दे दूं एक सैंपल. राइट डाउन अकॉर्डिंग टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मुझे ना स्टूडेंट्स एक चीज ऐसी भी लग रही है कि आप प्लीज कैलसी कैरी करना, कैलकुलेटर कैरी करना. अभी आप बोलोगे लॉ के पेपर में क्या कैरी करना है, बट कैरी इट. जैसे 1/3 आपको करना है फटाफट, इट हेल्प्स यू. या यू नो यहाँ पे जैसे कुछ फिगर्स पे दिया है तो मैं यूज करने वाली हूँ अभी यहाँ पे एक चीज, तो इट्स बेटर जस्ट यू कैरी अ कैलकुलेटर. नॉर्मली वी डोंट टेंड टू थिंकिंग यहाँ कहाँ कैलसी लगेगा, राइट? अकॉर्डिंग टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन. क्या रे? इंडियाज, ये इंग्लिश पढ़ने का इफेक्ट है आफ्टर 4 o'clock. इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना has risen by $4.21 billion. Since last fiscal year. अब ये अमाउंट कहाँ से आया बिल्कुल कैलकुलेट करके मुझे बताना, शाउट मत करना, कीप द आंसर रेडी. कहाँ से आया? पैसेज में तो $4.21 नहीं दिया है, मतलब हम बता रहे हैं. हम दो दो साल का क्यों बताए? डायरेक्टली डिफरेंस बताओ ना, इस साल डिफरेंस कितना हुआ? 4.21
डॉलर्स. हाउ डिड यू गेट दिस? इज दैट द डिफरेंस बिटवीन 52.69 माइनस 48.48? ऑफकोर्स इट्स बिलियंस, वी टॉकिंग अबाउट बिलियंस. सो दैट इज डॉलर 4.21 बिलियन. प्लीज ये ना ब्रैकेट में लिख दो, बाद में मुझे ऐसी क्वेरी नहीं चाहिए कि ये किधर से आया. 4.21 बिलियन डॉलर कहाँ से आया ये क्वेरी नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा राइट साइड कहीं पे भी आप ये नोटिंग कर दो प्लीज. सब ने नोटिंग किया? So this year, the figure has reached to, मतलब trade deficit का जो figure, it has reached to dollar 52.69 billion. Correct? बरोबर. अच्छा, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज शी सेइंग, व्हाट इज द मिनिस्टर सेइंग कि ये क्यों हुआ ऐसे, किसकी वजह से हुआ? देखो पैसेज में दिया है, चाइना का एक्सपोर्ट हो रहा है, बट व्हाट आर वी इंपोर्टिंग? द इंपोर्ट्स आर डन मेनली बाय हुम? टेलीकॉम एंड पावर. यस, सो टू मच ऑफ इंपोर्ट्स. ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ट्रेड डेफिसिट? यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड. नो वेयर वी शुड हैव अ डेफिसिट. इंडिया नीड्स टू हैव लॉट ऑफ डॉलर्स एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व्स. व्हाई? हमने लोन्स ले रखे हैं, हमारा जो डेफिसिट होता है ना बजट का, पैसे कहाँ से आते हैं? हम नोट्स नहीं प्रिंट करते. गेट दैट? वी डोंट फॉलो दैट सिस्टम. दैट इज वाई द इंडियन इकोनॉमी इज दैट स्ट्रांग. कि प्रिंटिंग प्रेस है हमारा, तो गवर्नमेंट बोलती है अच्छा डेफिसिट हो गया, चलो उतने नोट्स प्रिंट करो. इफ यू डू दैट, यू आर गोना डिस्टर्ब द डिमांड एंड सप्लाई. दे डोंट डू दैट. यू आर सपोज टू कीप गोल्ड इक्विवेलेंट टू द नोट्स दैट यू प्रिंट. सो वी डोंट डू दैट. दैट इज वाई इंडिया इतना बैड फेस में भी जाके, हम लोग इकोनॉमी हमारी अभी भी स्ट्रांग है. जब वर्ल्ड में रिसेशन आया था, वी वर स्टिल स्ट्रांग ऑन. सो यू नो, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो डेफिसिट होता है, हम लोन लेते हैं फिर वर्ल्ड बैंक से, विच वी हैव टू रीपे इन डॉलर्स, एंड देन वी डू अ रीपेमेंट इन डॉलर्स, एंड द इंडियन रूपी इज नॉट एबल टू रिमेन दैट स्ट्रांग बिकॉज वी नीड टू बाय अ लॉट ऑफ डॉलर्स टू रीपे. इसलिए एक्सपोर्ट्स अच्छा है हमारे लिए और इम्पोर्ट्स इतना अच्छा नहीं है. बैलेंस है तो अच्छी बात है, ठीक है. सो वॉट इज शी सेइंग? शी कॉन्ट्रीब्यूट्स, शी कॉन्ट्रीब्यूट्स बोलना है, या शी कैन, शी पॉइंट्स द मेन रीजन फॉर दिस. यू नो समबडी डजंट वॉन्ट टू यूज कॉन्ट्रीब्यूट्स एंड शी पॉइंट्स द मेन रीजन फॉर दिस. आइदर कुछ भी आप यूज करते हो, शी कॉन्ट्रीब्यूट्स दिस और द मेन रीजन फॉर दिस. शी कॉन्ट्रीब्यूट्स दिस टू इम्पोर्ट्स, टू इम्पोर्ट्स मेड बाय the telecom and power sector. Correct? अभी एक sentence और, efforts पे चाहिए मुझे. Efforts क्या ले रही है government? क्या लेना, क्या efforts ले रही है? देखो हाँ, तो market आप diversify, export को diversifying the markets and on various services and manufactured goods. Yes. So efforts are being taken to what? Reduce the gap. किस चीज में gap है? To bridge the gap word use किया है. आपने वो नहीं बोला तो भी चलेगा. Efforts have been taken to improve or increase the exports by diversifying the markets on various services and manufactured goods. Last sentence. Okay. So write down. Efforts are being made to increase the exports by diversifying the markets, emphasizing on
diversifying the market, emphasizing on various services and manufactured goods. Correct? Done? Yes, so done for today. Thank you for being such a good audience today. Yes, thank you. I'll see you tomorrow at 2:30.